दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज यश और आज मैं लेके आया हूँ एक वीडियो, एक नाम रिएक्शन की, जिसका नाम है फिंकल स्टेन रिएक्शन। अरे सर, वो तो पता ही चल रहा है ना, फिंकल स्टेन मतलब साइंटिस्ट का ही नाम है, अपने को भी पता है सर, इतना तो अपने को समझता ही है। तो देखिए, ये एक हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। सिंपल बोलूं तो एक हेलोजन को दूसरा हेलोजन रिप्लेस करता है और सिंपली इस रिएक्शन में हम आयोडाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्काइल आयोडाइड। ओके, तो ये आयोडाइड फॉर्मेशन का रिएक्शन है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि फिंकलस्टेन रिएक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे पास आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड बनाने का कोई और मेथड नहीं था? तो जी नहीं, मेथड तो था ना। हम हाइड्रोकार्बन को लेके, मान लीजिए C2H6 को लेके आयोडीन से रिएक्शन करा के C2H5 आयोडाइड बना देते प्लस HI। बस इतनी सी बात है कि इस रिएक्शन में ढेर सारी खामियां हैं। अब ये खामियां कौन कौन सी हैं? तो देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। यील्ड मतलब मात्रा, मतलब क्वांटिटी। ये जो है ना, ये अच्छे क्वांटिटी में नहीं बनता। इसका कारण क्या है? ओके, इसका कारण सिंपल सा ये है कि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और वो इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में करवा देता है। दूसरी चीज़ क्या है? आयोडिनेशन एक हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा, अब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, HI रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिवर्सिबल क्यों हो जाता है, वो सब तो अलग कॉन्टेक्स्ट है। हम तो फिलहाल बात करने वाले हैं फिंकलस्टेन रिएक्शन की। तो था एक तरीका, तो था, बट वो तरीका इतना ज्यादा सही नहीं था, इसीलिए आ गए हम फिंकलस्टेन रिएक्शन पे। अब क्या होता है फिंकलस्टेन रिएक्शन? तो ले लीजिए आप एक अल्काइल हैलाइड, मैंने ले लिया RX, और इसे ट्रीट कर दिया सोडियम आयोडाइड से। आप लेने के लिए तो KI भी ले सकते हो, बट फिलहाल हमने NaI ही लिया क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी जो फिंकलस्टेन रिएक्शंस है उसमें NaI ही यूज होता है, जो कि है सोडियम आयोडाइड। अब यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन होता है एसीटोन के प्रेजेंस में और साथ ही साथ हीटिंग भी रखती है। हर एक चीज़ बताएंगे, एसीटोन कहाँ लिए, कहाँ हीटिंग की, ये सब कुछ एकदम फैंटास्टिक बताएंगे। और इसमें बन गया अल्काइल आयोडाइड प्लस NaX। सर, ये X क्या है? X हैलाइड आयन है। X हो सकता है यहाँ पे फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड। अरे सर, आयोडाइड नहीं हो सकता क्या? बक बक बक, यहाँ पे लिया है ना आयोडाइड, तो कहाँ है इसकी बात कर रहा है रे? जी हाँ। तो अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म और सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बताना चाहता हूँ। सर, वो क्या है कि ये जो सॉल्वेंटवा है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो एसीटोन है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, H3C, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये एक वीक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है? वीक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अरे सर, बहुत सारी चीजें लिखती है। E का है पोलर, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। हाँ, समझ में, अप्रोटिक है। अप्रोटिक मतलब इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, सॉल्वेंट है। अब देखिए, ये वीक पोलर अप्रोटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, कमजोर है। अगर जिन्हें नहीं पता है प्रोटिक का होता है, अप्रोटिक का होता है, पोलर का होता है, अपोलर का होता है, तो आप हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके टाइप ऑफ सॉल्वेंट की वीडियो जरूर देख लीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, ये एसीटोन के वीक होने का क्या फायदा है, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसमें? इन ड्राई एसीटोन, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए साथियों, पानी होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? F माइनस से ज़्यादा Cl माइनस की हो जाएगी, Cl माइनस से Br माइनस की हो जाएगी, और Br माइनस से तो I माइनस की हो जाएगी। सर, लेकिन हमने तो पढ़ा था कुछ और। सर, हमने तो पढ़ा था कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में जो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो तो थोड़ी अलग होती है सर। और वो कैसी होती है?
जी सर ऐसी होती है, लेकिन सर आप तो कुछ अलग ही बता रहे हो। जी हाँ आप भी एकदम सही हो, ये वाला ऑर्डर बिल्कुल होता है, लेकिन कब कब, जब सॉल्वेंट होता है स्ट्रॉन्ग पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। यहाँ पे तो जो मैं बात बता रहा हूँ ये वीक पोलर अप्रोटिक है भाई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वीक पोलर अप्रोटिक के एग्जाम्पल जो हैं वो हैं एसीटोन और दूसरा है डाई इथाइल ईथर, याद रखना इसको, ठीक है? ये तो एक काम हो गया। अब दूसरा सुनो क्या है, मैं बताने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हैलाइड। ओके, तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हैलाइड कुछ ऐसी होती है, देखना है तो देख लो, NaF से ज्यादा NaCl, NaCl से ज्यादा NaBr और NaBr से ज्यादा Na है। सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा कोवेलेंट है, और अपना एसीटोन भी क्या है, कोवेलेंट है सर। लेकिन एसीटोन तो पोलर भी है, तो नो डाउट ये भी पोलर है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है वो मैं बता देना चाहता हूँ। एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा तो वीडियो बाकायदा लंबी हो जाएगी, और इसके पीछे जो कारण है वो है फजान रूल। सर ये फजान से मैं अनजान लग रहा हूँ सर, तो बिल्कुल चिंता ना करो बेटा, इस पे भी हमारी वीडियो है इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में, जाओ ढूंढो और देख लो। अगर तकलीफ हो रही है तो जो भी तकलीफ है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आया समझ में? तो NaF सबसे कम सोल्यूबल होता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेट ऐसा हो जाएगा, मतलब सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, NaF, और सबसे लेट कौन बनाएगा, NaI बनाएगा। आया समझ में? अब जरा हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो रिएक्शन हुआ हमने किया है, क्या किया था, आर एक्स लिया है और उसको NaI से रिएक्ट कर दिया, और इसमें एसीटोन लिया। सर एसीटोन का मतलब तो समझ गया सर, लेकिन ये हीटिंग या कहाँ किए हो वो भी बताते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो NaI है इसमें से I माइनस फ्री हो जाता है, ये हेलोजन जो है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे हेलोजन पे आता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। आप सबको पता है ना ये R होता है रेस्ट, ये R जो होता है ये रेस्ट होता है, और रेस्ट मतलब कार्बन, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हेलोजन खींचता है, जिसकी वजह से कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है? अब ये हेलोजन कोई और नहीं फ्लोरीन क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकते हैं। अब ये आई माइनस इसके बैक साइड मतलब वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में अटैक कर देता है, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में अटैक कर देता है, और यहाँ से हेलोजन बाहर निकल जाता है। और जैसे ही ये हेलोजन बाहर निकलता है हमें तो मिल गया एक आर ए आर आई और प्लस मिल गया एक एन ए एक्स। अब ये एक्स क्या हो सकता है, जी हाँ फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही काम की बात, अगर अगर ये आर एफ होता तो कार्बन का 2p और फ्लोरीन का 2p, अगर ये आर सी एल होता तो कार्बन का 2p और फ्लोरी क्लोरीन का 3p, मतलब आप देख रहे हैं अगर ब्रोमीन होता तो 2p और 4p, मतलब बॉन्ड देखते जा रहे हैं आप, वीक होते जा रहा है, वीक होते जा रहा है। और यहाँ पे तो आर आई है, मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2p में होगा और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 5p में, कितना बड़ा बॉन्ड होगा ये, मतलब ये सबसे वीक बॉन्ड होगा, और ये वीक बॉन्ड होगा मतलब आपने एक स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ा और एक वीक बॉन्ड को बनाया, मतलब स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, अरे हाँ सर, और जो वीक बॉन्ड बनेगी तो एनर्जी कम रिलीज होगी। मान लो आपने स्ट्रांग बॉन्ड तोड़ा, स्ट्रांग बॉन्ड तोड़ा तो आपको एनर्जी लगी 500 किलो जूल, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो कहीं से डेटा ढूंढ के लेके आओगे बोलोगे कुछ भी पढ़ाते हो तो। और देखो तो 500 किलो जूल लगा बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है? और जब ये बॉन्ड बना तो इसने एनर्जी कितनी रिलीज की, ये रिलीज हुई, ये एब्जॉर्ब हुई, तो कितना एनर्जी ओवरऑल लगा, 300 किलो जूल। तो प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक, तो हीट तो देना पड़ेगा ना, आया समझ में? लेकिन सर देखो ना यहाँ पे स्ट्रांग से वीक बॉन्ड बनाया, हमेशा स्ट्रांग बॉन्ड बनता है ना, नहीं तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, नो डाउट, एकदम सही बोला बचवा तुम। लेकिन ये देखो ये क्या बना है, एन ए एक्स, मतलब अगर ये एन ए एफ या फिर एन ए सी एल या फिर एन ए बी आर है तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब एफ माइनस सी एल माइनस और ये बी आर माइनस आए, ये कोई भी फ्री नहीं है, और फ्री नहीं है तो ये वापस आर पे अटैक नहीं कर सकते और रिएक्शन बैकवर्ड की डायरेक्शन में नहीं जाएगा।
आया समझ में, रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाने के लिए कि एक्स माइनस जो है ना हेलाइड आयन उसका फ्री होना जरूरी है, और फ्री होगा तभी वो आर पे अटैक करेगा और रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। ये हम नहीं, ये ली चेटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से बताया आपको। ओके, नहीं पता है ली चेटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो। तो ये एक गजब की रिएक्शन है जिसमें आप देख रहे हो फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे तगड़े दावेदार को हटा के आयोडीन लेके आ रहे हो। अब देखिए, अगर इंट्रेंस एग्जाम है तो आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे दिए हैं RCl और यहाँ पे दे दिए NaBr, और फिर वही चीज यहाँ पे क्या ये हीटिंग वाला सिंबल हो गया और यहाँ पे आ गया ये एसीटो, राइट। और यहाँ पे क्या बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे NaCl प्लस ये RBr। तो आप देख रहे हो सोडियम ब्रोमाइड लेके इन्होंने क्या बना दिया, अल्काइल ब्रोमाइड, और ये क्या बन गया NaCl, और इसका क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बता दी थी। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऐसे होती है, आ रहा है समझ में, मतलब जो NaCl होगा वो प्रेसिपिटेट की तरह बन जाएगा। मतलब सिंपल सी चीज है, एक नीचे वाले को यूज करके, मतलब ये नीचे वाले को यूज करके आप ऊपर वाले को किसी को भी रिप्लेस करा सकते हो। मतलब जो आयोडीन है वो ब्रोमीन को भी रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन को भी रिप्लेस कर सकता है और फ्लोरीन को भी रिप्लेस कर सकता है। ओके, मतलब जो आयोडीन है वो फ्लोरीन को भी रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन को भी रिप्लेस कर रहा है, ब्रोमीन भी रिप्लेस कर रहा है। मतलब फ्लोरीन और ब्रोमीन को, फ्लोरीन और क्लोरीन को ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा, ठीक है। फ्लोरीन को कौन रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन। लेकिन ऊपर वाले मेंबर, ऊपर वाले मेंबर लोअर मेंबर को रिप्लेस नहीं कर सकते। आ गया समझ में, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन वो लोग बना देंगे दोस्तों, समझ में आ रहा है। रिएक्शन के मैकेनिज्म पे एक बार फिर ध्यान दे देते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, मान लीजिए यहाँ पे RF है और ये Ni ले लिया आपने, और ये आपका बन गया NaF प्लस ये Ri। कैसे हुआ होगा ये रिएक्शन, तो देखिए Ni तो एसीटोन में सोल्यूबल होता है, तो ये क्या दे देगा, आई माइनस। अब ये आई माइनस इसकी जो वेकेंट एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें अटैक करेगा और यहाँ से निकल जाएगा फ्लोराइड आयन। सर ये कैसे हुआ, तो देखिए फ्लोरीन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींच रहा है, जिसकी वजह से आर पे पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। यही मौका किसको दिख गया, आई माइनस को, क्योंकि वो प्योर नेगेटिव चार्ज लेके बैठे हैं। तो वो यहाँ पे अटैक करते हैं, मतलब R और I के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है और पुराना बॉन्ड टूट जाता है। तो सिंपली ये कौन सा रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन। ओके, और किसने किया सब्स्टिट्यूट, I माइनस। I माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके ऊपर खुद के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और देखा गया कि रिएक्शन का जो रेट है वो NaI पे भी डिपेंड करता है और RF पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये क्या हो गया, एक SN2 रिएक्शन, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए इसी का एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये एक आपका, ये पीछे वाला दिख रहा है कि नहीं आपको पता नहीं, ये जो फ्लोरीन है ये प्लेन के बैक साइड में, मतलब ये जो स्क्रीन है इसके पीछे है, और इसको आपने ट्रीट कर दिया NaI एसीटोन से, नो डाउट हीटिंग भी कर दी, तो आपको अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये ऐसे मिला, और फिर यहाँ पे आगे की तरफ आपको क्या मिल जाएगा, आर। सर ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, यहाँ पे तो फ्लोरीन पीछे की तरफ था और ये आगे की तरफ आ गया। तो जी हाँ, ये SN2 मैकेनिज्म है और इसमें होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब जो रिप्लेस हुआ है अगर वो पीछे है तो आने वाला किधर आएगा, आगे आएगा। अगर जो रिप्लेस हुआ है वो आगे है तो आने वाला किधर आएगा, पीछे। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ भाया, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया CH3, ये हो गया T, ये हो गया D, और यहाँ पे है F, और इसे ट्रीट कर दिया मैंने NaI एसीटोन, और यहाँ पे लिख दी हीटिंग। अब जरा देखिए इसमें क्या होगा साथियों, इसमें होगा कुछ ऐसा, क्या यहाँ पे आ जाएगा I, यहाँ पे आ जाएगा D, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा T। तो देखिए F कहाँ पे था और I कहाँ पे आया, तो हो गया ना उल्टा, ऑपोजिट साइड से आया ना, तो इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन। सर मुझे इन्वर्जन नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल चिंता मत करिए, SN2 की मैकेनिज्म अच्छे से समझिए।
आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपने ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुना होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं हम एक और नए जबरदस्त वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय।